का एक नया किस्सा और आपको, हसरत जयपुरी साहब तशरीफ लाए थे जयपुर में, मोपेडी थी हमारे पास और हमारे गवर्नर साहब ने उनको भी इनवाइट किया, हमें भी किया, कहा गाड़ी भेज देता हूँ। हाँ तो चाचा ने कहा कि यार मोपेड वोपेड में कौन जाएगा, ए उस पर गाड़ी वाड़ी में कौन जाएगा यार, अपन तो शेर व शायरी करते हुए चलेंगे। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं चला रहा हूँ, पीछे ये बैठे हैं, उसके पीछे हसरत जयपुरी साहब। क्या बात, रियली ये कोई बनावट या किस्सा नहीं है। और साहब उसमें ये हुआ कि कहीं जाके वो हमारी गाड़ी अटक गई, बंद हो गई, बंद हो गई, उतरना पड़ेगा दोबारा स्टार्ट के लिए। उतरे तो हसरत जयपुरी साहब पीछे तो उतरे, वो टॉल थे, पीछे उनका पैर अटका, वो गिरे, गिरते ही उनको फ्रैक्चर हुआ। फिर साहब वो पता लगा कि उनको एडमिट करने गए और ये बड़े, तो ये जो मोपेड या साइकिलें या पैदल, इसकी जो खुशी पहले थी ना, वो आज कारों रह के भी नहीं होती हमें, मज़ा नहीं आता है कि इतना आदि हूँ चलते रहने का, बैठ जाऊँ तो थकान होती है। क्या बात, तो मैं किसी भी, जब तक विदाउट स्ट्रगल कोई जिंदगी नहीं। और उसके अलावा देखिए साहब, हमारा मानना ये है कि संगीत से इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, क्या पहनते हैं आप, क्या करते हैं। पहले तो लोग जाके संगीतज्ञों के कुटिया में बैठते थे, तो इसका मतलब वो छोटे थे। देखिए ये तो आपने, हमने जो खुद तवारीख में है कि जब मियाँ तानसेन से शहनशाह अकबर ने कहा क्या तुमसे भी कोई अच्छा कहता कि मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूँ, तो बोले उनको यहाँ बुलाया जाए कि नहीं साहब मैं आपको खुश करने को गाता हूँ, वो भगवान को खुश करने को गाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आज देखिए कि हम उस वक्त मोपेड चला रहे थे, आज हमारे घर में भी दो दो गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो चाहत, वो मज़ा, वो बात ही नहीं है जो हमने शुरुआत की थी वालिद साहब के साथ। लेकिन बचपन में 1959 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हम लोगों ने उस वक्त रेडियो से करियर शुरू किया था अपना, उस वक्त हम बच्चों के प्रोग्राम में थे, फिर युवाणी में आए, फिर उसके बाद मैंने आपको आगे बता ही दिया था। और साहब मैं एक शिवेंद्र भाई जरूर याद दिलाएंगे आपको, इत्तेफाक से देखिए आप ऐसी ऐसी अजीम शख्सियतों के साथ हम तबले, क्योंकि सितारा बुआ के साथ भी हम गाते थे, तो अल्लाह रखा खा साहब तबला बजाना हम गा, पंडित किशन महाराज जी, गुनई महाराज जी, तो ये हमारे सौभाग्य। और एक महफिल में तो निजामुद्दीन खान साहब ने भी आकाशवाणी कंसर्ट में हमारे साथ, तो ये हमारे सौभाग्य कैसे कैसे लोगों। और आपको ताजो हुआ था कि शायद ही कोई ऐसे फनकार होंगे जो इतने तबलियों के साथ गाए हों जितना हमने उसकी मेहरबानी से गा लिया। और क्योंकि मेरे वालिद साहब भी तबले बजाते थे, एक जगह तो ऐसी आई थी कि तबले वाला ही नहीं था, तो बजा के मैंने ही गाया था।